हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल अग्रवाल फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सीरीज फॉर आईआईटी जेम व्हिच विल हेल्प यू इन बूस्ट योर रैंक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असिमेट्रिक इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल एंड सिमेट्रिक स्क्वायर वेल पोटेंशियल एंड आफ्टर दैट वी विल रीड फाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फिर हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि असिमेट्रिक इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल और सिमेट्रिक इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है। तो उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है पोटेंशियल में, जो यहाँ पे जीरो होता है पोटेंशियल इन केस ऑफ असिमेट्रिक, वो होता है जीरो से ए के बीच में। यहाँ पे बेसिकली ये है एल की जगह और यहाँ पे भी माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू है, तो इस बात का आप याद रखना। और जो सिमेट्रिक स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है उसमें जो पोटेंशियल जीरो होता है वो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू में होता है। इसमें बेसिकली पोटेंशियल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इसे हम सिमेट्रिक इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल बोलते हैं और इसे हम असिमेट्रिक स्क्वायर वेल पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस की सिमेट्रिक नहीं है, इसमें पोटेंशियल जीरो है जीरो से ए के बीच में। सो फ्रेंड, अब हम दोनों का वेव फंक्शन देखते हैं, क्या दोनों के वेव फंक्शन में कोई डिफरेंस होता है, देखते हैं। तो इसका वेव फंक्शन तो हम पहले से ही जानते हैं, रूट टू बाई ए साइन एम पाई एक्स बाई ए इंफिनाइट स्क्वायर वेल इन केस ऑफ असिमेट्रिक। बट इन केस ऑफ सिमेट्रिक अगर वेव फंक्शन चेंज स्लाइटली, अगर हमारा एन इवन रहता तब तो हमारा वेव फंक्शन वही रहता, लेकिन अगर एन ऑड हो जाता है तो हमारा वेव फंक्शन साइन की जगह यहाँ पे कॉस हो जाता है। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखना, फर्स्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। सो फ्रेंड्स, अब हम दोनों की एनर्जी वैल्यू के बारे में देखते हैं, लेकिन दोनों की एनर्जी वैल्यू दोनों की सेम होती है, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ एंड वी विल सी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन और मोमेंटम। क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन और मोमेंटम में कुछ चेंज होगा? तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स देखेंगे असिमेट्रिक के केस में, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो जीरो से एल है तो इसके बीच में जस्ट हो जाएगा एल बाई टू, तो इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा एल बाई टू या फिर ए बाई टू, यू कैन से अगर हम एल की जगह ए कंसीडर कर ले। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जे भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वहां से आप देख सकते हैं। और बट इन केस ऑफ सिमेट्रिक इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी इसकी जो माइनस एल बाई टू और प्लस एल बाई टू के बीच में जो है वो जीरो है, इसलिए इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स होगा वो जीरो होगा। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व होगा, ए स्क्वायर की ए स्क्वायर बाई थ्री की जगह। तो जी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस बात को आप लोग अपने माइंड में रखना कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर ये दोनों ही डिफरेंट होती है इन केस ऑफ असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर हम देखेंगे, तो क्या उसमें भी डिफरेंस होता है? नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर दोनों की सेम होती है, चाहे वो आपका सिमेट्रिक हो चाहे असिमेट्रिक हो। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम जीरो होता है दोनों में, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है दोनों में, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम तो दोनों में ही सेम रहेगा क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम है। बिकॉज डेल्टा पी बराबर होता है हमारा, डेल्टा पी इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ पी का होल स्क्वायर, तो ये तो दोनों का सेम है। लेकिन जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दोनों में अलग अलग है, लेकिन जब हम डेल्टा एक्स फाइंड आउट करेंगे, जब आप इसको कॉपी में कैलकुलेट करोगे, तो यू विल नोटिस डेट डेल्टा एक्स दोनों के लिए सेम आता है, चाहे वो
असिमेट्रिक इनफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल हो चाहे सिमेट्रिक स्क्वायर वेल पोटेंशियल। और जब डेल्टा एक्स दोनों के लिए सेम है, डेल्टा बी दोनों के लिए सेम है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा बी दोनों का प्रोडक्ट भी दोनों के लिए सेम होगा। तो वन क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट डेल्टा एक्स डेल्टा बी, डेल्टा एक्स डेल्टा बी, तो डेल्टा एक्स दोनों के लिए सेम होगा, डेल्टा बी भी दोनों के लिए सेम होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा बी का मल्टीप्लाई भी दोनों का सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस केवल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर में आता है। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा याद रखना, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन इन विच एन इलेक्ट्रॉन, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप सबसे पहले अपने आप से पढ़िए और इसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, और आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अब आप सॉल्यूशन को देखिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इज सेइंग दैट एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन वन डायमेंशनल इनफिनाइट पोटेंशियल वेल गिवन बाय, सो फ्रेंड दिस इज अवर सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, और हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर करस्पोंडेंट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस एन इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट तो आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू मींस एन इक्वल टू 4। और फ्रेंड वी नो दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा है कि ए स्क्वायर बाई 12 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड हमको याद क्या रखना, जो हमने वहां पे देखा था वहां पे जो लिमिट थी वो थी एक्स, वहां पे जो लिमिट थी वो आपकी थी एक्स जो आपका था ए बाई 2 से माइनस ए बाई 2 के बीच में था, तो वहां पे जो पोटेंशियल की विड्थ थी वो ए थी, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल की विड्थ है वो 2a है, तो यहाँ पे a डैश की वैल्यू हम 2a हो जाएगी। तो सो यहाँ पे हम a डैश की जगह पे 2a पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, सो वी विल गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ, हमने यहाँ पे a डैश की जगह पे 2a पुट कर दिया है, सो वी विल गेट व्हेन वी विल सॉल्व दिस, यू कैन सॉल्व एंड यू कैन इजीली सी दैट दिस इज a स्क्वायर / 3 / माइनस 2a स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब वो आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स स्क्वायर पूछ रहा था थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे आप एन इक्वल टू 4 पुट कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 बाई माइनस ए स्क्वायर बाई 8 पाई बाई 8 पाई स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए वीडियो को पॉज करके अपने आप से ट्राई कीजिए, और फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो फ्रेंड आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, और अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हियर इज अ पार्टिकल ए इज मूविंग इन वन डायमेंशन इनफिनाइट पोटेंशियल वेयर, यहाँ पे बेसिकली ये जो पार्टिकल ए है ये आपका असिमेट्रिक पोटेंशियल वेयर में है, और जो पार्टिकल बी है वो आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में है। तो आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, यहाँ पे मोर देन वन भी सही हो सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बोथ पार्टिकल आर सेम, अभी हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स दोनों की सेम नहीं होती है, इस केस में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स होगी वो होगी आपकी ए बाई 2, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है वो 0 होगी। तो आपका ये जो ए ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। सेकंड है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बोथ पार्टिकल आर डिफरेंट, यस दिस इज ट्रू। एंड थर्ड है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ पार्टिकल आर सेम, तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं होती, मोमेंटम दोनों की सेम रहती है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, तो आपका डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स वी विल सी that difference between infinite potential well and finite potential well, infinite potential well और finite potential well में difference क्या है? So friend जैसा कि आप screen पे देख पा रहे होंगे this is our infinite potential well and this is our finite potential well। तो infinite potential well में क्या होता है कि जो हमारा potential function होता है वो infinity होता है 0 से L को छोड़ के। तो लेकिन इन केस ऑफ फाइनाइट पोटेंशियल वेल जो हमारा पोटेंशियल होता है वो वी नॉट होता है, वो एक्चुअली में इंफिनिटी नहीं होता है माइनस ए बाई 2 से। अगर ए बाई 2 अगर हम यहाँ पे इस टाइप का सिमेट्रिक वाला कंसीडर कर ले तो दिस इज अ
फाइनाइट पोटेंशियल वेल, बेसिकली डिफरेंस ये होता है इनफिनाइट पोटेंशियल वेल में कि आपका पोटेंशियल इंफिनिटी होता है, लेकिन जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल होता है वहाँ आपका पोटेंशियल वी नॉट होता है, वहाँ इंफिनिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो मेन डिफरेंस ये हो जाएगा, जब यहाँ पे पोटेंशियल इंफिनिटी है तो यहाँ पे पार्टिकल कैन नेवर बी फाइंड, पार्टिकल इस रीजन में कभी भी फाइंड आउट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट पोटेंशियल है तो मे बी आपका पार्टिकल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड फाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पार्टिकल इज बाउंड इन जीरो से, आपका पार्टिकल केवल यहीं पे होगा, यहाँ एल की जगह पर ए है, तो यहाँ पर आपका जो पार्टिकल है वो जीरो से ए के बीच में ही होगा, आपका पार्टिकल यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन जो इन केस होता है कि पार्टिकल मे बी फाइंड आउटसाइड ऑफ माइनस ए बाई टू, यहाँ पे आपका पार्टिकल, यहाँ पे आपका पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड फाइनाइट पोटेंशियल वेल। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फाइनाइट पोटेंशियल वेल का फिगर देख पा रहे होंगे और ए इसका पोटेंशियल फंक्शन है। यू विल सी डैट इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो है, माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू के बीच में, और अदरवाइज इसका पोटेंशियल वी नॉट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। अब जो पार्टिकल की एनर्जी है वो आपकी हो सकता है कि आपकी जो पार्टिकल की एनर्जी वो ई ग्रेटर देन वी नॉट हो, और आपका दूसरा केस हो सकता है जो पार्टिकल की एनर्जी है वो आपकी लेस देन वी नॉट हो। तो फ्रेंड्स, हम एक एक केस डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट केस देखेंगे ई ग्रेटर देन वी नॉट, जिसे हम स्केटिंग स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो वेव फंक्शन होता है वो ऑसिलेटरी पैटर्न का होता है और तीनों रीजन में मतलब कि फाइंड आउट हो सकता है, यानी कि आपका जो पार्टिकल होता है वो बेसिकली तीनों रीजन में फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज अवर पोटेंशियल और फाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड अवर वेव फंक्शन जो है वो तीनों रीजन में है। तो दिस इज द फाइनाइट पोटेंशियल वेल स्केटिंग सॉल्यूशन जो हमने देखा है। अब हम देखेंगे ई लेस देन वी नॉट के लिए, जिसे हम बोलते हैं बाउंड स्टेट्स। बाउंड स्टेट सॉल्यूशन में जो एनर्जी होती है वो हमारी वी नॉट से कम होती है। And here are some bell. This is swallow bell because this is air swallow, so we call it swallow bell. And this is deep bell because it is deep, so we call it deep bell. And this is a wide bell because this is wide. So in this way we can do the nomenclature of these different type of bell. And here is the corresponding wave functions. So this is the psi 1 means this is the ground state wave function, this is the first excited state wave function and this is the second excited wave function. So friends, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो ground state wave function है वो एक भी बार जीरो नहीं होता है, यानी कि इसमें एक भी नोड नहीं है, इट्स मीन्स दिस है जीरो नोड। एंड जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन है ये एक बार जीरो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वन नोड है। और जो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन है ये दो बार जीरो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टू नोड्स हैं। तो इस प्रकार से हम नोड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो पार्टिकल है वो माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू के आउटसाइड जाता है तो ये एक्सपोनेंशियली डिके होने लगता है, यानी कि जो पार्टिकल के फाइंड आउट होने की मैक्सिमम प्रॉबलिटी है ये माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू के बीच में ही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है नंबर ऑफ बाउंड स्टेट, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है कि देर इज ऑलवेज एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट नो मैटर हाउ स्मॉल वी नॉट इज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर आपका जो वी नॉट की वैल्यू ज़्यादा है तो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर आपकी वी नॉट की वैल्यू कम है तो आपकी नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कम होगी। लेकिन आप वी नॉट चाहे जितना भी कम कर दो, फॉर एग्जांपल अगर आपका वी नॉट केवल इतना होता कि तब भी कम से कम यहाँ पे एक बाउंड स्टेट जरूर होगी, चाहे आप वी नॉट को जितना भी कम कर दो। तो इस प्रकार से इस स्टेटमेंट का ये मतलब था, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको माइंड में रखना है। और हम नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम आर कैलकुलेट करेंगे। और आर क्या है, आर की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर बी नॉट बाई टू एच कट स्क्वायर। और फिर अगर हमारा आर
पाई बाई टू से जीरो के बीच होगा तो वहाँ वन बाउंड स्टेट होगी, और अगर हमारा आर पाई बाई टू से पाई के बीच होता तो टू बाउंड स्टेट होगी, और अगर हमारा आर पाई बाई पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच होगा तो वहाँ थ्री बाउंड स्टेट होगी, और अगर हमारे आर की कंडीशन ये होगी कि वो एन पाई बाई टू से कम हो और एन माइनस वन पाई बाई टू से ज़्यादा हो तो देर विल बी एन बाउंड स्टेट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ एन बाउंड स्टेट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे एन बराबर जीरो को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं या फर्स्ट इवन स्टेट बोलते हैं, और एन बराबर वन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं या फर्स्ट ऑड स्टेट बोलते हैं, और एन बराबर टू को सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एन बराबर थ्री को थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। यहाँ पे लेकिन गौर करने की बात यह है जो एन बराबर जीरो टू फोर सिक्स एट होता है इसे बोलते हैं हम इवन स्टेट। कई बार ये एग्जाम में आ जाता है वो इवन स्टेट और ऑड स्टेट करके वो पूछता है, तो आपको याद रखना है 135 के करस्पॉन्डिंग ऑड स्टेट है। जैसे एन बराबर जो जीरो है वो आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इवन स्टेट हो जाएगी, और जो एन बराबर टू है ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इवन स्टेट। सिमिलरली जो एन बराबर वन है ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट ऑड स्टेट, और जो एन बराबर थ्री है ये हो जाएगी आपकी सेकेंड ऑड स्टेट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आप से सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फ्रेंड यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड आई होप कि आपने ये सॉल्यूशन अपने आप से ट्राई कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पार्टिकल ए इज मूविंग इन वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल गिवन बाय, तो आपका जो पार्टिकल है वो आपका इस पोटेंशियल में चल रहा है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला ऑप्शन है देयर इज एटलीस्ट टू बाउंड स्टेट, और बी ऑप्शन है देयर इज एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट। तो अभी हमने थ्योरी पार्ट में देखा था कि देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट, तो आपका जो स्टेटमेंट बी है वो सही है, ऑप्शन बी सही है, और ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन सी में और डी में क्या है कि आपको वी नॉट में कुछ कंडीशंस दी गई हैं जो कि सेम है, और आपको बताना है देयर विल बी वन बाउंड स्टेट और देयर विल बी टू बाउंड स्टेट। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बाउंड स्टेट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और आर क्या है, आर है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर वी नॉट बाई टू एच का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स हमको वी नॉट की ये कंडीशन दी गई है, तो हमने वी नॉट की कंडीशन लिख ली है। इसको हम थोड़ा सा रिचेंज करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी नॉट बाई टू एच का स्क्वायर और पाई बाई टू का होल स्क्वायर। और फ्रेंड ये हमारा कुछ नहीं, ये हमारा आर स्क्वायर ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि जो एम स्क्वायर वी नॉट बाई टू एच का स्क्वायर, इसका जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं सो वी विल गेट दिस कंडीशन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा आर यहाँ पे जीरो से पाई बाई टू के बीच में, और जब हमारा आर जीरो से पाई बाई टू के बीच में होता है तो वहाँ पे वन बाउंड स्टेट होती है। इट्स मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर विल बी वन बाउंड स्टेट एंड दिस इज फ्रेंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले इसको आप अपने आप से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आपने अब ट्राई कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो फ्रेंड पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ पार्टिकल विथ फाइनाइट एनर्जी इन वन डायमेंशन इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, तो पहली बात तो हमारा जो पोटेंशियल क्या है वो इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एनर्जी लेवल आर नॉट इक्वी स्पेस। तो हम जानते हैं कि इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में जो ग्राउंड स्टेट और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसके बीच की एनर्जी का डिफरेंस होता है थ्री, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है उसके एनर्जी का डिफरेंस होता है फाइव ई, और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट और जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता है उसकी एनर्जी का डिफरेंस होता है सेवन ई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी लेवल आर नॉट इक्वी स्टेट, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अब हम बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन है देयर कैन नॉट बी एनी स्केटिंग स्टेट बट मैनी बाउंड स्टेट। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है वहाँ पे सारी की सारी बाउंड स्टेट होती है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इंफिनिटी है तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल कभी भी नहीं आ सकता, तो सारे हमेशा हमारा जो पार्टिकल है वो यहीं पे रहेगा। तो सारी की सारी जो स्टेट्स होती हैं वो बाउंड स्टेट्स ही होती हैं, और मतलब कि स्केटिंग स्टेट एक भी नहीं हो सकती, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है।
और सी ऑप्शन है देयर कैन नॉट बी एनी बाउंड्री स्टेट, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। और डी ऑप्शन है हमारे देयर कैन बी फाइनाइट नंबर ऑफ बाउंड्री स्टेट एंड इनफाइनाइट नंबर। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि इनफाइनाइट स्क्वायर वैल में स्केटिंग स्टेट नहीं हो सकती, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले आप प्लीज क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आप से सॉल्व कीजिए। पहले आप वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने आप सॉल्व कर लिया होगा। अब आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ डेप्थ बी नॉट एंड विथ टू ए। तो आपको एक पार्टिकल है जो कि वन डायमेंशनल फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में, जिसकी डेप्थ बी नॉट है और विथ टू ए है। तो आपके ऑप्शन है द ग्राउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल हैज 0 नोड, द ग्राउंड स्टेट ऑफ द पार्टिकल हैज 1 नोड, द ग्राउंड स्टेट पार्टिकल हैज 2 नोड। तो फ्रेंड हम जानते हैं कि हमारा जो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन होता है वो एक भी बार 0 नहीं होता है, यानी कि वहां पे कोई भी नोड नहीं होता है। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे कोई भी नोड नहीं होता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, बी गलत है, सी भी हमारा रॉन्ग है। तो जैसा कि हमने ये देखा था कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट है जे वेव फंक्शन एक भी बार 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 नोड है। और हमारा डी ऑप्शन क्या है, हमारा डी ऑप्शन है पार्टिकल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ बाउंड्री स्टेट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्केटिंग स्टेट। सो फ्रेंड्स वी नो डैट कि अगर हमारे पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से कम है तो वहां पे बाउंड्री स्टेट होगी, और अगर हमारे पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से ज्यादा है तो वहां पे स्केटिंग स्टेट होगी। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके फ्रेंड, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जो कि JEM 2018 का में आया हुआ था। और फ्रेंड ऐसा ही सेम क्वेश्चन JEM 2021 में आया था 2 मार्क्स का। वो क्वेश्चन क्या, अब वो क्वेश्चन आप देखिए। तो ये रहा आपका JEM 2021 का क्वेश्चन। तो फ्रेंड बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का, दोनों में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है JEM 2018 का, इसके ऑप्शन जो है, और जो है आपका JEM 2021 का, तो इसके ऑप्शन आपके जो हैं। तो अगर आप देखोगे, देखो वेव फंक्शन भी सेम है, केवल यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे आयोटा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी अपने आने वाले एग्जाम में। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है वहां पे एक्सपेक्टेशन एक्स हमेशा 0 होता, सॉरी एक्सपेक्टेशन एक्स हमेशा L/2 होता है, और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो इंफेनाइट पोटेंशियल वैल्यू होता है उसमें आपको एक्सपेक्टेशन एक्स विल ऑलवेज बी L/2। तो फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि इंफेनाइट पोटेंशियल वैल्यू में आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जो पी है वो 0 रहेगी, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को। तो फ्रेंड डी ऑप्शन के लिए पहले हम साई एक्स को देखते हैं कि साई एक्स हमारा नॉर्मलाइज है या नहीं। तो साई एक्स को हम C1 साई एक्स + C2 साई 2 एक्स से कंपेयर करते हैं, तो हम वी विल गेट C1 = 1/√3 एंड C2 = √2/3। सो हेयर इज C1 C2, यहाँ हम C1 का कंजुगेट C2 का कंजुगेट लिखते हैं। और जब हम C1² + C2² कैलकुलेट करते हैं तो हमारा बन आता है, इसलिए हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है। अब हमारा फंक्शन जब नॉर्मलाइज है तो अब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ ई निकालेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई हो जाएगा E1 × C1² + E2 × C2²। तो जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ ई निकालेंगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई है। तो यहाँ पे E1 E2 क्या है, E1 है हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी π²² / 2 mL², और E2 है हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। तो जब हम इन इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ई बराबर
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 ml², लेकिन सिंस ऑप्शन में हमें एच दिया गया है, एच कट नहीं है, सो वी नो डेट एच कट बराबर एच बाई 2 y, एंड जब हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो वी विल गेट 3 h² बाई 8 ml². तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, जो कि हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई है उसकी वैल्यू मैच कर रही है। और अब हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ई होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर बाई 2 m। तो एक्सपेक्टेशन ई की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली, तो यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, और जब हम अनसर्टेनिटी इन पी निकालेंगे तो अनसर्टेनिटी इन पी का फॉर्मूला लगा देंगे, और इसी के साथ जब हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, और सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ पी 0 होता है, तो यहाँ से हमारा जो डेल्टा पी निकल के आता है वो आता है √3 h² / 2 l। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाता है। सो हम देखते हैं, तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही हो गया और डी ऑप्शन भी सही हो गया। तो फ्रेंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ जेम 2021। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। और हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।